स्वागत है विजन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और आप देख रहे हैं सीबीएसई पाठशाला पावर्ड बाय विजन पॉइंट और मैं हूँ आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्तिमा गाय। होप सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ उतने ही पोटेंशियल से आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रख रहे हैं हमारे साथ जुड़ के। तो आप सभी का वंस अगेन स्वागत है विजन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नाम सर्च करना है आपको गूगल प्ले स्टोर पे सीबीएसई पाठशाला एंड यू विल गेट दिस ऐप विद द सेम लोगो, आपको कर लेना है इसे डाउनलोड और उसके बाद जो मैजिक बिगिन होगा वो आप अपने हाथों में यानी अपने मोबाइल के थ्रू उसको देख पाएंगे, जिसके थ्रू आपको रेनाउंड मेंटरशिप के अंदर आप अपने अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री आपके मैथ्स फिजिक्स बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आसानी से देख सकेंगे। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन नए दोस्तों के लिए जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, बाकी जो जानते हैं उनको तो ये पता है और उन्होंने अभी तक कर भी लिया होगा। और एक स्टेप और आगे मूव करिएगा और इस चीज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो विद दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चलिए आगे मूव ऑन करते हैं और हमारी जो चर्चा चल रही थी केमिस्ट्री की दुनिया में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे जो आपकी क्लास 11th का चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 3rd है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही खास चैप्टर है, बहुत ही छोटू सा चैप्टर है और उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपको अपने साथ रखना भी क्या है ये भी इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपके साथ आपका ब्रह्मास्त्र होना चाहिए तैयार जो आपको लगाएगा, आपको जब आप मार्क करोगे तो आपको उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, राइट। तो वो है आपका क्या, वो है आपकी कॉपी और पेन। जो मैं कहती हूँ कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम माई या किसी और की भी वीडियोस देख रहे हैं तो अपने साथ जब भी आप पढ़ाई की कोई वीडियो देखते हैं तो उसके साथ एक नोट पैन जरूर रखिएगा और पेन भी रखिएगा, जिससे आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको नोट भी करते चले, क्योंकि आपके नोट्स आपके खुद के लिखे हुए नोट्स का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है और वो कोई भी नहीं दे सकता, वो बस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और उसके साथ साथ आपके दिमाग की भी एक्सरसाइज करवा देता है, यानी दोनों एक्सरसाइज हो जाते हैं और बेनिफिट आपको ही मिलता है, राइट। विद दिस स्मॉल इंफॉर्मेशन हम आज क्या बात करेंगे, तो आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी बस आपके 2 लेक्चर्स हुए हैं तो उनको भी अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर गो थ्रू कीजिएगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो जाए इस चैप्टर में और कोई भी डाउट ना रहे और आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर रहे, राइट। तो चलिए बात करते हैं आज के 3rd लेक्चर में क्या खास होने वाला है, बट उससे पहले हमारे पास आज की ज्ञानोपीडिया में क्या है खास, क्या है मोटिवेशनल लाइन जो हमें करेगी मोटिवेट और ले जाएगी एक नेक्स्ट लेवल तक। तो बिल्कुल आज की खास लाइन है आपके लिए जो है दैट इज जो बीत गया उस बात पर, कहते हैं कि जो बीत गया उस बात पर मत कीजिए, ठीक है, वक्त जाया नहीं करना चाहिए और जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। जो बीत गया उस पर बात करके अपने वक्त को बर्बाद करना बेवकूफी होता है और जो आपके पास वक्त है उसे बर्बाद मत करो, यानी जो आपके पास बच गया है ना उस पर आपको जरूर फोकस करना है, वरना जो बचा है वो भी फिसल जाएगा। आपने देखा होगा रेत को जब अपने हाथ में उठाते हो क्या पाते हो, आप देखते हो कि जब तक आप उसको मुट्ठी में बंद किए हो धीरे धीरे क्या होता है वो चली चली स्लिप होता रहता है। तो कहा जाता है ना कि जो आपके पास वक्त आपने बर्बाद कर दिया है अब उसको सोच सोच के और वक्त बर्बाद नहीं करना है और जो आपके पास वक्त है उसको अच्छे से प्लान करके अच्छे तरीके से फोकस करके उस वक्त में अपने आप को तैयार करना है, अपने आप के जो भी आपकी प्रायोरिटीज है पढ़ाई हो गया कोई भी वर्क है उसको आपको उसमें करना है, ठीक है। यानी अपने टाइम का मैनेजमेंट आपको यहाँ पे अच्छे से करना है, पछतावा करने से तो कुछ नहीं होता है, उस पछतावे में भी आपका समय जो है वो भी बादल की तरह उड़ता चला जाता है। तो इसीलिए जो भी आपके पास टाइम है, ब्यूटीफुल लाइन का मतलब यही है कि आपके पास जो भी टाइम है
उसमें आप उस टाइम को जिस बर्बाद कर चुके हो उसके बारे में सोच के अपने टाइम को वेस्ट और ना करना है, बल्कि उसी टाइम में से आप कितना फ्रूटफुल तरीके से, कितने प्लानिंग करके अगर आप अप्रोच करते हो तो किसी भी गोल को या जो भी चीज आपको पानी है उसको कैसे अचीव कर सकते हो उस पर फोकस करना है, एंड फॉर श्योर यू विल गेट योर मार्क्स ओवर देयर, राइट। चलिए बात करते हैं आज के इस सेशन की। तो आज के ऑब्जेक्टिव पे हम बात करेंगे, बट आई होप आज के इस कोटेशन का डीप मीनिंग आप तक जरूर पहुंचा होगा और आप भी अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हुए दिख रहे होंगे। तो आज का क्या है स्पेशल ऑब्जेक्टिव जो आज हम चर्चा करेंगे, तो आज हम सीखेंगे नॉमेनक्लेचर। बिल्कुल, ये नॉमेनक्लेचर किसका होगा, ये होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, राइट। 100 से ज्यादा जब एटॉमिक नंबर हो जाता है तो उसकी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसको आज हम इस वीडियो में डील करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ही करेंगे, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अपन लोग बात करेंगे, यानी इससे प्रीवियस वाले वीडियो जो दो वीडियोस थे उनमें हम लोगों ने बेसिकली हमारे जो एटॉमिक मास को लेके जो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थे उनको चेकआउट किया था, और लास्ट वाला वीडियो काफी इम्पोर्टेंट था जिसमें हमने मेंटली पीरियोडिक टेबल को टोटली डिकोड किया था और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना और समझा था बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, राइट। तो ये सारी पिछले वीडियोस की थी, बट इस वीडियो को भी आप देखने से पहले मैं कहूंगी कि अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। बाकी नॉमेनक्लेचर की आज हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि इस वीडियो के अंत तक आपको ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर की हम लोग अगर बात करते हैं तो ये जो नामकरण है, जैसे हमारा नामकरण कौन करता है, हमारा नाम कौन देता है, हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम किसी भी एलिमेंट्स या केमिस्ट्री में किसी का भी नामकरण की बात करते हैं तो वो नामकरण किसके अकॉर्डिंग होगा, तो याद रखना वो आपका किसका होता है, IUPAC, यानी कि IUPAC भी आप इसे बोलते हो। तो जो IUPAC है ये क्या करता है, नामकरण देता है केमिकल कंपाउंड से, केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी नामकरण की बात होती है तो वो कौन देता है, IUPAC, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो एक गवर्निंग बॉडी है जो कहती है कि केमिस्ट्री चाहे दुनिया में कोई भी पढ़ रहा हो, नाम अगर हम एक लेते हैं जैसे हमने मीथेन कहा, तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो तो वो भी फॉर्मूला लिखेगा, वो बच्चा, वो भी हमारे दोस्त क्या लिखेंगे, CH4 लिखेंगे। इंडिया का होगा वो भी मीथेन में CH4 लिखेगा, अगर कोई थाईलैंड का है वो भी ये लिखेगा, यानी ओवरऑल इंडिया में अगर मीथेन वर्ड किसी ने बोला जोर से तो सब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CH4 ही लिखेंगे, कुछ अलग नहीं लिखेंगे। तो ये यूनिकनेस, ये कहते हैं ना, ये पॉइंट्स जो है ना कि सबके लिए सेम यहाँ पे बात कही जाएगी, यानी कि सबको सेम स्ट्रक्चर ही बना पाएगा, यानी कि आप कह सकते हो क्या कि ये जो नाम देता है यही नाम हर जगह वैलिड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में कहा जाता है ना कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में है तो आलू को आलू कहोगे, ठीक है, बट ये साउथ में चले जाओगे तो कुछ और कहा जाता होगा, ठीक है। मैंने फिर अगर कोई साउथ का होगा तो उसको पता होगा क्या कहता है, ठीक है, आप कमेंट डाउन कर सकते हो, राइट। तो वहां पे आलू को कुछ और बोला जाता है, बट एक यूनिफाइड तरीके से इसको क्या बोला गया, इंग्लिश में पोटैटो बोल दिया गया। तो अभी अगर कोई नॉर्थ इंडिया का बंदा है तो उसको है कि अगर उसको इंग्लिश समझ में आती है तो पोटैटो बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि यार पोटैटो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आलू ही है, वो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेगा। ऐसे कोई आसाम में पोटैटो बोला है तो वो समझ जाएगा, ठीक है, अगर उसको इंग्लिश आती है तो, ठीक है। तो ये क्या है, जर्नलिज्म आपको दिखाता है कि जो IUPAC है ये नामकरण करता है, और ये एकदम थप्पा लग जाता है कि इसका नाम यही होगा, और कहीं से भी अगर आप हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, तो आपको जो नाम यहाँ पे इसका IUPAC नाम है वही नाम हर जगह जाना जाएगा, ठीक है। तो हमने जैसे अभी आपको बताया कि आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट विल बी डीलिंग विद द व्हाट, दैट विल बी डीलिंग विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर दैट इज Z ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन 100, ठीक है। ये आपके सिलेबस में भी तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि 100 से ज्यादा जब एटॉमिक नंबर होता है तो उसको कैसे हम उसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको सारे
सिंपलिसिटी से मैं बताऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा और आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, राइट। तो आपको करना क्या है, अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करना है, नोट भी करते चलना है, सो दैट आप विद इन अ सेकेंड आप इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर आसानी से नामकरण करना स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे, पर उससे पहले आपको याद रखना है क्या, कुछ आपके यहाँ पे प्रिफिक्स या कह सकते हो कि इन नामों को अगर आपके पास डिजिट के हिसाब से, जैसे 100 है, 100 है, 100 के बाद 101 आएगा, 2 आएगा, 103 आएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। जैसे अगर हम डिजिट की बात करते हैं तो आपके टोटल कितने डिजिट है, ठीक है, 10 डिजिट है, कौन कौन से, 1 से लेके 9 तक प्लस 1 आपका 0 हो गया, ठीक है, यही तो डिजिट है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल आपके 10 डिजिट है 0 और 9 के लिए। तो इनका क्या नाम आप डेजिग्नेट करोगे वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंड द थिंग्स इज वेरी सिंपल, बाकी तो आप एकदम न्यू आंसर देना स्टार्ट कर दोगे और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर भी ले जाओगे, ठीक है। तो क्या है, अगर हमारे पास 0 है तो हम उसको कहेंगे नील बट्टा सन्नाटा, कहते हैं ना नील, नील मतलब खाली, खाली मतलब 0, राइट। अगर हम बात करते हैं 1 को, तो 1 को हम क्या कहेंगे, उन कहेंगे, क्या कहेंगे, उन, और सिंपल सा है ये तो, एब्रिविएशन कुछ काम का याद करने लायक नहीं है, कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा वर्ड कि जो भी इसका फर्स्ट लेटर है वही तो इसका क्या है, एब्रिविएशन है, तो इसको तो आप नहीं भी याद रखोगे तब भी ध्यान रहेगा, ठीक है, याद जो रखना है वो यही 10 नाम याद रखे हैं और इतने सिंपल सिंपल है, बाकी तो आपको अगर आप यहाँ से देखते हो, 22 से देखते हो, तो 22 से ऑफ तक तो बहुत ही सिंपल है, उनको याद ही नहीं रखो, याद ही रहेगा, ठीक है। क्या है, देखिए 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22, 3 हो जाएगा तो ट्राई, 4 हो जाएगा तो क्वाड, 5 हो जाएगा तो पेंट, 6 हो जाएगा तो हेग्स, एंड 7 हो जाएगा तो सेप्ट, 8 हो जाएगा तो ऑक्ट, एंड 9 हो जाएगा तो ईन। अब देखो कहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है उस पर फोकस मार देना है, वो क्या है आपका, वो है ये ईन वाला, ईन बीन जो भी है, और ये नील तो याद ही रहेगा, उन पे आपको ध्यान देना है, बाकी सारे तो बाई, ट्राई, क्वाड, पेंटा, वो सब तो पता ही है, ठीक है, इतने सारे क्वाड कोर प्रोसेसर आ गया है ना, तो बहुत सारे ऑक्टा कोर प्रोसेसर आ गया, ऑक्टागन्स में ना पॉलीगन्स पढ़ा होगा, तो ये सारे वर्ड्स कॉमन है, ठीक है, बस ध्यान देना है, 0 का मतलब निल, 1 का मतलब उन, 2 का मतलब बाकी सिंपल, 9 का मतलब एन करना है ना, 9 कुछ ऐसा करके याद रखना, ठीक है, जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे बस क्या है, उसी के बस क्या है, फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान देना, हेप्ट नहीं सेप्ट लिखोगे, ठीक है, दोनों ही यूज किया जाता है, पर यहाँ पे हम सेप्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका क्या है, नॉमन क्लेचर जो हमने अभी बात की ना, नामकरण, जो नॉमन क्लेचर बात की उसका ये क्या है, गोल्डन पॉइंट्स है, गोल्डन पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है, बाकी नामकरण आप आसानी से यूं कर लोगे, ठीक है। हमारे पास कुछ लिस्ट भी हैं जिनके थ्रू हम बहुत ही आसानी से इसको नामकरण कर सकते हैं, वो सीख भी जाओगे कैसे। तो देखिए हमने अभी देखा कि क्या देखा, अगर आपका 0 है, मैं फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, और आपने तो लिख ही रहा हो क्योंकि आपने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो बहुत अच्छी बात है, थम्स अप आपके लिए। तो अगर 0 है तो आपने क्या कहा, हमने कहा इसको निल लिखेंगे, एन से इसका नोटेशन देंगे, ठीक है। 1 होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 होगा तो उन लिखेंगे, यही हमने सीखा, बिल्कुल। 2 होगा तो क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, ठीक है। 3 होगा तो क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। 4 होगा तो क्या लिखेंगे, क्वाड लिखेंगे, QED। 5 होगा तो क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। 6 होगा तो क्या होगा, हम लिखेंगे हेग्स, राइट। 7 होगा तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेप्ट, यानी कि स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली 8 होगा तो क्या लिखोगे, 8 होगा तो ऑक्ट लिखोगे। 9 होगा तो मैंने बताया था क्या लिखना है, एन, 9 है ना। चलो तो ये तो याद ही हो गया, तो अब देखो अब क्या है, 101 है, ठीक है, 101 है, तो क्या होगा। तो एक चीज और खास बात है जो याद रखेंगे, बाकी मैं अभी आपको बता ही दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, धैर्य बना के सुनो। क्या कि यहाँ पे क्या लिखा है, 101, ठीक है। 1 के लिए क्या आएगा, उन आएगा, तो इसीलिए क्या लिखा है, उन लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, उन, या अन पढ़ोगे अन लिखा है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, 0 है, 0 का मतलब क्या बताया, नील बताया, तो नील लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखा, नील लिखा, ठीक है। फिर क्या है, फिर 1 है, तो फिर क्या लिखोगे, उन। अब इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो थोड़ा टंग जो है वो ट्विस्ट हो जाएगा, बल्कि ट्राई जरूर करना, ठीक है। फिर क्या है, उन हो गया, फिर नील लिखा, फिर बाद में क्या लिखा, फिर 1 है, तो फिर उन लिखा, ठीक है। फिर क्या बना दिया,
फिर लगा दिया IUM, EM, ठीक है, क्या वर्ड लगा दिया, EM, यानी जो भी आपका सफिक्स है वो तो आप लिखोगे, सॉरी प्रीफिक्स जो है वो लिखोगे, जो वर्ड है, बाद में जो सफिक्स आपको ऐड करना है वो क्या ऐड करना है, EM ऐड करना है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका कि नहीं, लिथियम, तो आपने क्या देखा, जहां पे भी EM वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, अमोनियम, EM का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड होता है, ठीक है, और वैसे भी मेटल अगर हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल की जब हम चर्चा करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो चीज है, मैक्सिमम जो एलिमेंट है उनकी जो प्रेजेंस है वो किस एलिमेंट के फॉर्म में है, वो मेटल्स के फॉर्म में ही है, ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या है, यहाँ पे हर के पीछे जो नाम आपको दिख रहा है वो क्या है, EM वर्ड यूज करता हुआ दिखेगा, क्लियर हुई बात, तो जो भी नामकरण है वो इनमें से आपके वर्ड्स होंगे, साथ ही साथ लास्ट में याद रखना है कि EM लगा देना, ठीक है, तो ये आपका क्या है IUPAC का नॉमेनक्लेचर है, बाद में ऑफिशियल जैसे जैसे एलिमेंट्स की खोज होती रही, उनकी डिस्कवरी उनके जिन साइंटिस्ट ने की है उसके अकॉर्डिंग नाम या किस जगह से पाया गया उसके अकॉर्डिंग उनका नामकरण कर दिया गया, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हमें भी कोई परेशानी नहीं है, हमें तो नॉमेनक्लेचर का सीखना है, वो हम सीख के रहेंगे, राइट, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका नाम क्या गया, उन्निलुनियम, ठीक है, उन्निलुनियम, ऐसा लग रहा है ना कुछ अलग सा फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट है, पता है, लगा लोगे, याद करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है, बाकी क्या है, सिंबल की बात करें तो फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो कैपिटल में यू लिख दोगे, उनका यू उठा लेना, नील का एन उठा लिया और फिर उन आया इसलिए उसका यू लिखा लेगा, उन्नु लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, उन्नु, और ये उन्नु बाद में क्या पता चला हमें ऑफिशियल जो नेम है वो क्या है, MD BM, और इसका सिंबल भी डेजिग्नेट किया, दैट इज MD, क्या बताया, MD, क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया, और भी एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि बाकी सारे तो आप समझ लोगे क्योंकि हमने इतने अच्छे तरीके से समझा है ना, क्या जैसे कि अगर हम बात करते हैं 108 है, ट्राई करिए क्या होगा, सबसे पहले 1 है तो क्या वर्ड आएगा, आप लगाओगे क्या, उन लगेगा, नील है तो हमने क्या लिखना है, नील लिखना है, लिखा, ठीक है, फिर क्या है, 8 दिख रहा है, अच्छा 8 है तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट लिखेंगे, ऑक्ट, फिर मैंने बताया ऑक्ट लिखने के बाद क्या लगा देना है, जोड़ देना है EM को, तो EM हम लोग जोड़ देंगे IUM, तो बन क्या गया, उन निल ऑक्टियम, क्या बन गया, उन निल ऑक्टियम, यानी कि 100, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एब्रिवेटेड या सिंबल इसका क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा यू, क्योंकि कैपिटल में यू है, फिर बाद में क्या है, एन निल लगा था, फिर ऑक्टियम था तो ओ लगा दिया, तो उनु, ठीक है, उनु क्या हो जाएगा, और यही उनु आगे जाके क्या है, हैजियम, हैजियम के नाम से जाना गया, सिंबल क्या बना, HS बना, ठीक है, क्या बना, सिंबल SH बना, ठीक है, तो इस तरीके से आपके बाकी एलिमेंट्स के भी नामकरण आप आसानी से कर लोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल 113 की बात करें तो क्या नाम हो जाएगा, उन ट्रायम, क्या हो जाएगा, उन ट्रायम, ठीक है, तो सिंबल क्या हो जाएगा, UUT सिंबल हो जाएगा, और यही बाद में क्या है, नाइहोनियम के नाम से जाना गया, दैट इज NH, क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। अगर 118 है तब क्या करोगे, तो उन ऑक्टियम यानी यू ओ लिखोगे, जिसको हम क्या है, ऑग्नेशियम के नाम से जानते हैं, और ये इसका सिंबल क्या है, OG है, ठीक है, OG है। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है कि ये आपके जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, यानी कि टोटल आपके 118 एलिमेंट अभी पार जा चुके हैं, ठीक है, दैट इज ऑग्नेशियम, ठीक है, इससे आगे भी आपके एलिमेंट और भी मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो भी आपको आने वाले कुछ समय में मिल भी जाए, ठीक है, तो उसी हिसाब से पीरियोडिक टेबल को भी थोड़ा सा अगर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको वहीं पे प्लेस किया जाएगा, पीरियड्स बढ़ सकते हैं एंड सो ऑन, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, और एट टाइम्स ये हो भी सकता है और आप लोग उसके लिए रहोगे, है ना, या फिर आप में से ही कोई एलिमेंट्स को जरूर ढूंढ के उसके बारे में बताए, तो समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, याद रखना है इस चीज को और अप्लाई करना है तो आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, नॉमेनक्लेचर है जिसमें जेड ग्रेटर देन 100 होगा, मैं लिख देती हूँ, जेड अगर ग्रेटर देन 100 है तो वो आप आसानी से उसका नॉमेनक्लेचर लिख सकते हो, या फिर अगर उल्टा ही दिया है, ठीक है, नाम दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, क्या है पता चल जाएगा, बिल्कुल, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 120 अगर होता तो क्या होता इसका नाम, ट्राई कीजिए,
बिल्कुल ट्राई करना है, राइट। क्या होता है, वन का मतलब हम लोग लिखते क्या, पूर्ण लिखते हैं। टू का मतलब क्या लिखते हैं, बाई लिखते हैं। जीरो है तो क्या लिखते हैं, नी अम लगा देते, नी नियम, नी लियम लगा देते, ठीक है। नील लिख के फिर ईएम लगा देते, ठीक है। तो सिंबल भी बना सकते थे, बिल्कुल सिंबल आपका क्या बन जाता, यू बी और क्या बन जाता, एन, यू बी एन उबान, ठीक है। यू बी एन आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका सिंबल हो जाता, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप आसानी से, क्योंकि आपको पता चल गया कैसे नामकरण करना है, तो आप अब हुए हैं क्या नॉमेनक्लेचर बताने के लिए एकदम तैयार, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, आज के नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमें समझना है, दैट इज योर स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाउ यहाँ पे जिस पीरियोडिक टेबल की अपन लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर अपन लोग चर्चा करते हैं तो हम इसका पिक्चर भी देखेंगे, बट आप लोगों ने देखा भी होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रफ में अभी बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखता है ये आपका प्यारा सा पीरियोडिक टेबल, जिसमें से जो 28 एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है इनके घर से, ठीक है। बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर शो करते थे, इसलिए धक्के मार के पीरियोडिक टेबल से इनको कर दिया गया है बाहर, ठीक है, बाहर निकाल दिया गया है। नाउ वॉच, इस तरीके का आपको पीरियोडिक टेबल देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर फीचर की बात करें तो आप लोगों ने जरूर इसको देखा होगा, बहुत ही अच्छे से देखा होगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन भी ड्रॉ कर देती हूँ, जिससे हम आगे भी जब बात करेंगे ना तो वो चीजें और भी क्लियर होंगी, राइट। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी है, वो क्या है, दैट इज पीरियड एंड ग्रुप, ठीक है। तो जब हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टली हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा था कि जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हमारे पास मॉडर्न में भी जो पीरियड्स हैं, दैट इज हाउ मच, दैट इज 7, ठीक है। कितने हैं वो, 7 है। जबकि अगर अपन लोग वर्टिकल कॉलम्स की बात करते हैं यानी ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स कितने हैं, तो वो हमारे पास कितने हैं मॉडर्न में, वो हैं आपके कितने, 18 ग्रुप्स, ठीक है। कितने ग्रुप्स हो गए, 18 ग्रुप्स हैं, और इनको याद रखना है, ठीक है। ये ग्रुप्स आपको याद रखना है, यानी कि 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं, दैट इज सेम एज व्हाट, पीरियड्स तो सेम थे। अगर हम मेंशलीव की बात करते हैं तो वो कितने थे, वो आपके 9 थे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की, ठीक है। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो इनको अलग अलग लेवल पे क्लासिफाई किया गया है, और अगर आप इसे अच्छे से देखते हो तो आप क्या पाते हो कि यहाँ पे आपको क्या लिखा मिलेगा, ये मिलेगा कि ये एस ब्लॉक है, ठीक है। क्या है ये, एस ब्लॉक एलिमेंट के कहा जाता है इन दो ग्रुप को, या फिर मैं नंबरिंग आपको करके दिखाऊंगी तब भी आप बहुत ही आसानी से देख लोगे। जो फर्स्ट और टू ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है, डी ब्लॉक है, और इस डी ब्लॉक की शुरुआत क्या होती है, ये 3 से लेके क्या है, 12 तक होती है, ठीक है। 3 से लेके 12 तक होती है। और जो यहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा रही हूँ, ये वही दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये दो वही फैमिली मेंबर्स हैं जिनको क्या है, बाहर निकाल दिया गया है। एक का नाम है लेंथेनाइट, दूसरे का नाम है एक्टिनाइट। एक जो आपका क्या है, 6th पीरियड में है, दूसरा क्या है, 7th पीरियड में है। और ग्रुप की बात करें तो वो 3rd पीरियड के, जिनको अलग निकाल के यहाँ पे अलग से प्लेस किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस तरफ की, तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, पी ब्लॉक कहा जाता है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से, इसका है 13 से लेके कितना, 18 तक आपको ये पी ब्लॉक एलिमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो धक्के मार के बाहर इनको निकाल दिया गया, बहुत बुरा लगता है इनको, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अलग ही पेक्यूलर बिहेवियर होता है, कुछ अलग सा बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए इनको अलग निकाल दिया गया। ये जो है इनको कहा जाता है क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से हम लोग उसे जानते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली आपको क्या पता चला, आपको यही पता चला कि पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो 7 पीरियड्स हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ओरिजिन से, यानी धरती से लगा हुआ, यानी कि सपाट, यानी कि सीधा, ये वाला, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स का मतलब क्या है, वर्टिकल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हैं।
तो वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं, वहां 1 से लेके 18 तक हैं, और कैसे कैसे हैं वो भी मैंने अभी आपको बता दिया। इसमें डिटेल एनालिसिस और बहुत सारी चीजें वो तो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग देखते हो पीरियोडिक टेबल को तो वो कुछ इस तरीके का सा खूबसूरत सा आपको देखने को मिलता है, और इसकी क्लासिफिकेशन इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात कर लेते हैं वन बाय वन हर एक चीज की। तो ग्रुप्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स की बात करते हैं। तो द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आल्सो कंसिस्ट ऑफ हाउ वर्टिकल कॉलम्स या वर्टिकल रोज, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, और दे आर हाउ मेनी नंबर, दे आर एग्जैक्टली हाउ मच, दे आर 18 इन नंबर, ठीक है। तो भूलेगा नहीं इंडिया, बहुत बढ़िया। तो 18 इन नंबर में है, एंड अनलाइक मंथली पीरियडिक टेबल ईच ग्रुप इज इंडिपेंडेंट ग्रुप लाइक ग्रुप में इसीलिए प्लेस किया गया क्योंकि उनका बिहेवियर अपने आप में पेक्यूलियर है, अलग है विथ रेस्पेक्ट टू अदर ग्रुप्स, राइट। समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स की, तो उसको भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं, तो ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप हैव सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। एंड क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमने ये भी देखा था, वहां पे भी हमने बात की थी, और ये बात आप याद रखिएगा कि अगर हमने S ब्लॉक, अभी मैंने वर्ड यूज किया S ब्लॉक एलिमेंट, तो इसका मतलब यही है कि वो जो आखिरी आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, वो किस ऑर्बिटल में जाके बैठ रहा है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई S ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो किस में एंटर कर रहा है, वो H सब शेल में एंटर कर रहा है, इसलिए वो S ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैंने P कहा तो इसका मतलब क्या है कि वो P में एंटर कर रहा है। D का मतलब क्या है, वो D में जा रहा है। और अगर F लिखा है तो F में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस वजह से उसका F ब्लॉक, D ब्लॉक या P ब्लॉक या S ब्लॉक नाम है। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरी बात की बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि द एलिमेंट्स इन द ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज मैजिकल नंबर आपके पास क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। कितने आपके पीरियड्स हैं, आपने बताया कि मैम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पीरियड है कि नहीं। अगर हम बात करते हैं 7 पीरियड है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। पीरियड तो 7 है, पर अगर ग्रुप्स की बात करें तो ये ग्रुप भी आपका, आपने इसी को तो वर्टिकल, ये जो है आपके वर्टिकल कॉलम जो है, इसी को तो आपने क्या कहा, इसी को आपने क्या कहा, ग्रुप कहा। अब ये जो ग्रुप है, अगर ये पहला मेंबर है, तो इनके बीच का जो गैप है, गैप का मतलब क्या है, यानी कि आपको एटॉमिक नंबर याद भी नहीं है, आपको ये मैजिकल वर्ड्स लेटर्स याद हैं, ये मैजिकल वर्ड्स याद हैं, यानी नंबर्स याद है, दैट इज 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, तो आप आसानी से उसका एटॉमिक नंबर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक पहले मेंबर के नाम लिख दूं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ठीक है, ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है, आपको क्या देखना है, या फिर चलो इसको मैं मिटा देती हूँ, एक मिनट इसको मिटा ही देखते हैं, मैं एक मिनट इसको लिख देती हूँ अच्छे से, ठीक है। आप इसको याद भी रख सकते हैं, ह ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो आपको क्या पता चलता है कि इन दोनों में गैप जो है वो कितने का होगा, 2 का होगा। इन दोनों के एटॉमिक नंबर में गैप जो होगा वो कितना होगा, 8 का होगा। इन दोनों में कितना होगा, 8। इन दोनों में कितना होगा, 18। इस दोनों में कितना होगा, 18, और इसमें कितना होगा, 32। तो इस तरीके से आप आसानी से, अगर आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है 1, तो आप इसका निकाल लोगे कितने का, लिथियम का निकालोगे, 2 ऐड कर दोगे, 3 लिथियम है। लिथियम का पता है तो आप और 8 जोड़ोगे, 11 मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सोडियम मिल जाएगा, एंड सो ऑन। आप इस मैजिकल नंबर से, इस मैजिकल नंबर से आसानी से, ठीक है, आसानी से आप क्या कहते हो, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इन केस आपको एटॉमिक नंबर याद भी नहीं है, बट ये याद है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हो। दूसरी अगर बात करते हैं एटॉमिक साइज की, द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। तो इन सारी चीजों पे हम लोग अभी बात करेंगे, बट ये मान के रखना
कि जैसे जैसे जाते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो आपको पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा शेल्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, और जो एटम है उसका वेट यानी कि उसका जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट सच एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, एग्रीमेंट फॉलो द सिस्टमैटिक पैटर्न, यानी कि या तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या कुछ एब्रप्ट आपको कुछ एक्सेप्शन भी मिलते हैं, ठीक है, बट जनरल जो ट्रेंड है वो हमें आसानी से सिस्टमैटिक पैटर्न मिलेगा। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप हैव जनरल सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी अगर एक इस तरीके से प्रॉपर्टीज शो कर रहा है तो दूसरा भी उसकी प्रॉपर्टीज इस तरीके से होंगी, बट अगेन एक्सेप्शन हो सकते हैं और उन्हीं को हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको ग्रुप में देखने को मिलता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बात की थी, तो यहाँ पे देख लो, अगर हम हाइड्रोजन को हटा देते हैं क्योंकि वो एस ब्लॉक में उसकी पोजिशन अभी भी क्वेश्चन मार्क है, तो उसको अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, 8 का, ठीक है, फिर कितने का गैप है, फिर 8 का है, फिर कितने का है, 18 का है, फिर कितने का है, 18 का, एंड देन कितने का है, 32 का। तो अकॉर्डिंगली आप इसके एटॉमिक नंबर को बता सकते हो और ये निमोनिक्स के थ्रू आप याद भी रख सकते हैं एलिमेंट का नाम, हलीना की रग से परिया। ठीक है, खास बात पता चली, बहुत अच्छे। तो ग्रुप्स में आप यही देख रहे हो कि जैसे जैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे वैसे वैसे इनके इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, इनकी शेल्स भी बढ़ते जाएंगे, और जब शेल्स बढ़ते जाएंगे तो एटम भी मोटा होता जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये थी आज की आपकी ये कॉन्सेप्ट जिनको आपने ग्रुप के फॉर्म में पढ़ा। अब हम पीरियड्स की बात करते हैं, तो पीरियड्स में क्या खास होगी, तो पीरियड्स क्या होते हैं, दे आर दी हॉरिजॉन्टल रोज इन दी पीरियोडिक टेबल एंड नोन एज पीरियड्स, एंड देयर हाउ मेनी पीरियड्स, देयर आर 7 पीरियड्स ऑन ऑल। ठीक है, आपके पास कितने पीरियड्स हैं, तो 7 पीरियड्स हैं एंड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, इन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम वैलेंस शेल। ठीक है, जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो एक बात देखो, जब हम ग्रुप की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इसको देखा होगा तो यहाँ पे देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, यहाँ पे भी 2s1 था, फिर यहाँ पे 3s1 है, यहाँ पे क्या है 4s1 है, यहाँ पे 5s1 है, यहाँ पे क्या है 6s1 है। तो जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहा है, यहाँ पे 7s1 है, जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहा है, बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो उस ग्रुप में सेम है, सबके पास लास्ट शेल में क्या है, एस शेल है, सब शेल है, और उस सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जबकि हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में क्या खास बात आपको देखने को मिलता है कि जो शेल होता है यानी जो आउटर मोस्ट शेल होगा, ये जिसको आप वैलेंस शेल कहते हैं, वो सेम रहेगा। अगर फर्स्ट पीरियड का जिसमें आपका हाइड्रोजन और हीलियम है बेटा, यानी कि हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा 1s1 होगा, और ये भी क्या है सेम पीरियड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2। यानी कि इनके पास जो शेल होगा यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा कहा जाए सीधा, वो क्या होगा, वो दोनों में सेम पीरियड के एलिमेंट्स के लिए सेम होगा। ऐसे अगर सेकेंड पीरियड के मेंबर्स है तो सब में क्या होगा 2s2p तक जाएगा। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। तो ये थी दूसरी बात, अगर बात करते हैं एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जबकि अगर हम बात करते हैं साइज की, तो साइज के बारे में मैंने बोला कि हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज पे बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो। पर फॉर नाउ आप याद रखिएगा कि जब हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, जनरल ऑर्डर ये है। ठीक है, क्यों करती है वो सारी चर्चाएं होंगी, राइट। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो हमने अभी डिस्कस की है उसी पे, यानी कि अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में ये याद रखना है कि आपके पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम बात करते हैं ग्रुप की पोजिशन पे या ग्रुप के नामकरण पे, तो यहाँ पे ग्रुप को नामकरण भी डेजिग्नेट किया गया है, क्या है खास नाम तो याद रखने का। अगर हम नोबल गैस की बात करते हैं तो ये जो ग्रुप है ये क्या है, ग्रुप नंबर 18। ठीक है, और इसी ग्रुप नंबर 18 को जो हम मॉडर्न में ग्रुप नंबर 18 कहते हैं, अगर इसको हम मेंडेलीव वाले से कंपेयर करें तो इसको ग्रुप जीरो के भी नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं ग्रुप जीरो भी। अब तो ग्रुप जीरो भी कहीं पर डेजिग्नेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम ग्रुप 18 की ही बात कर रहे हैं, पर मॉडर्न में अगर बात करेंगे तो 18 हो जाएगा, और जीरो भी कह रहे हैं तो उसका भी मतलब क्या है, यहाँ पे नोबल या इनर्ट गैस की ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। तो अगर हम ग्रुप नंबर 18 की बात करते हैं तो इसी को हम नोबल गैस, इनर्ट गैस के नाम से या जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं, राइट। ईच पीरियड
ends with a noble gas of the element. Now this is really important factor, right? अगर आप देखते हो तो last में क्या है, group number 18 है, तो आप किसी भी period से जाओ, यानी left से right जाओगे, last में आपको दर्शन किसके होंगे, royal family के members से, यानी कि group number 18 के आपके जो members हैं उनसे ही आपकी मुलाकात होगी, यानी last element जो रहेगा हर पीरियड का वो क्या रहेगा, वो आपका एक नोबल गैस का ही एलिमेंट होगा. दूसरा क्या है, ऑल द मेंबर्स आर ऑफ द गैसियस नेचर एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑल लिक्विड फुलफिल्ड ऑर्बिटल दे हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी बहुत ही लेजी टाइप के भी होते हैं. ठीक है, रॉयल है, काम करना नहीं है, रिएक्शन करना नहीं है, बहुत खुश है इसी बात में मच. ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके ऑर्बिटल सारे फुलफिल्ड रहते हैं. ठीक है, और गैसियस नेचर के होते हैं. दिस आर ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैस. तो ये आपकी बात हो गई किसकी, ग्रुप नंबर 18 की. जबकि हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तो ये याद रखिएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके एस एंड पी ब्लॉक को. ठीक है, ये जो है इनकी तादाद ज्यादा है. ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. ठीक है, ये कौन है, आपके S और P ब्लॉक के मेंबर्स हैं. और S ब्लॉक में कौन आता है, तो जो आपके एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के उनको एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं. ग्रुप 2 जो है इसको लिखते जाइएगा, ये क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं. और ये दोनों ही जो है वो किसके मेंबर हैं, वो S ब्लॉक के ही है. ठीक है, तो S ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, 2. बहुत अच्छा. जबकि अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेके 17. ठीक है, क्योंकि नोबल को हमने अलग फेंक दिया, वो भी P ब्लॉक का ही एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी उनकी टेंडेंसी अलग है, तो उनको थोड़ा रॉयल ट्रीटमेंट हम लोगों ने भी यहाँ पे दे दिया. जबकि हम बात करते हैं 13 से 17 को, तो ये कंसिस्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड दे आर एलिमेंट्स ऑफ द एस एंड द पी ब्लॉक. यानी कि जो 13 से आपका 17 है उसी को अपन लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं. और ये भी याद रख लीजिएगा, अगर हम 13 की बात करते हैं, ग्रुप जो 13 है उसको हम क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली कहते हैं. ठीक है, क्या हो गया, बोरॉन पहला मेंबर, इसलिए इसको बोरॉन फैमिली की बात करते हैं. अगर ग्रुप नंबर आपका 14 है, ठीक है, तो वो क्या है, कार्बन फैमिली हो जाएगा. ग्रुप नंबर 15 है तो वो क्या हो गया, वो आपका हो गया नाइट्रोजन फैमिली. ठीक है, जो भी फर्स्ट मेंबर है उसके नाम से आप कह सकते हो उसे. जबकि ग्रुप नंबर 16 की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन फैमिली है, नो डाउट, बट इनका प्यारा सा एक नाम भी है जिसका नाम क्या है, चालकोजन. तो चालकोजन भी इसका नाम है. इसका मतलब यही है कि सिंपली ये क्या करते हैं, ओर फॉर्मिंग टेंडेंसी शो करते हैं. यानी ओर्स जो होते हैं ना, जिनको आप कहते हैं जो मिनरल्स हमें मिलते हैं ना, जैसे उनको हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस पे. ओर्स जो होते हैं उनको भी फॉर्मेशन में आपका क्या है, वो ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं. यानी कि आपका मेटल जो होता है ना, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो रॉयल्स हैं वो तो खाली ऐसे घूम रहे हैं, बट जो रिएक्टिव होते हैं वो किसी ना किसी से कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, तो जनरली इसी ग्रुप के एलिमेंट्स से कंबाइंड होके मिलते हैं. ठीक है, क्लियर हुई बात. जबकि ग्रुप नंबर 17 की अपन लोग बात करें तो इसको हम कहते हैं क्या, हैलोजन. क्या कहा जाता है, हैलोजन. ठीक है, क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है हैलोजन. ठीक है, तो ये सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर होते हैं. क्या होते हैं, सॉल्ट बनते हैं, क्लोराइड्स हो गए. ठीक है, क्लोराइड्स हो गए, आयोडाइड्स हो गए, ये सब क्या है, सॉल्ट है, राइट. अब जबकि ग्रुप 18 की तो चर्चा हमने कर ही ली, तो सारी बात तो आपको क्लियर होगी, बहुत अच्छी बात है. तो ये पॉइंट्स आप लोग लिख भी लीजिएगा, और लिखेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से वो रिलाइट भी हो जाएगा, राइट. अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की. तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो आपके होते हैं क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं. और बेसिकली इसमें क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है वो कहाँ होता है, डी ब्लॉक में ही होता है. क्लियर बात बस समझ में आई. द ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्लूड ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दे हैव प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिटवीन एस एंड पी. दिस इज द रीजन उनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन कहा जाता है. क्योंकि इनका जो पोजीशन है वो आपने पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो बीच में, इधर क्या है, एस ब्लॉक है, इधर क्या है, पी है, और बीच में ये क्या है, डी है. यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एस ब्लॉक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, पी ब्लॉक क्या है, धीरे धीरे उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है. तो यहाँ से क्या है, बीच डी पड़ जाता है, तो यह ट्रांजिशन हो रहा है मोर रिएक्टिव से धीरे की तरफ, यानी कि हाई रिएक्टिविटी से लो की तरफ जा रहा है. यानी ये ट्रांजिशन के बीच में डी ब्लॉक पड़ गया, इसका नाम क्या पड़ गया, ट्रांजिशन एलिमेंट. एक और है जो क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो आपके क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, वो 28 लोग जिनको पीरियोडिक टेबल से इनकी अलग बिहेवियर की वजह से अलग कर दिया गया है, धक्के फड़के निकाल दिया गया है, वो 28 एलिमेंट जो है वो आपके क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है. जिसमें कौन आता है, जिसमें आते हैं लेंथेनाइड्स, द 14 एलिमेंट्स, राइट, एंड एक्टिनाइड्स, जिनमें वो भी कितने हैं, वो भी 14 इन नंबर है. ठीक है, दे ऑल आर नोन एज योर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि इसमें एफ ब्लॉक की एंट्री हो जाती है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट. द एलिमेंट्स
आफ्टर यूरेनियम इज नोन एज व्हाट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे पता चला रिगार्डिंग दी योर पीरियोडिक टेबल। एंड टेल लड़ान, दिस इज योर पीरियोडिक टेबल, दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जहाँ जो फर्स्ट ग्रुप है, सॉरी जो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज एस ब्लॉक कहलाया जाएगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 से कहां तक, 12 तक, इसको क्या कहा जाएगा, बी ब्लॉक। ठीक है, जबकि पी ब्लॉक की बात करते हैं तो वो 13 से लेके 18 तक आपका क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। और जो वो दो लोग जिनको बाहर निकाला गया है यानी लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसके बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे यानी आगे की सीरीज में एक बात करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी चीज यहाँ से डिलीवर की गई होगी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो आपने उसको अच्छे से नोट भी किया होगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बट अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, कोई दिक्कत है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल अपॉन कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।